नमस्कार को स्वागत करती सारा राज्य में कोरोनार द्वितीय लहर जारी रही प्रकोप एवं भी, भी रही थी, जो कि राज्यव्यापी लकडाउन व बंद जारी कर स्थान रु चित्र जे दुखी रंगी असहायू लो कि साय्य कर आश्रय देखुता भाई एक अमानवीय चेहरा सागुण जिलू देखिले जेके ही भी घटना को दृढ़ स्वर से निंदा करे आपत देखुं परिणत बयस पहुँची किद्धा जो मानू निजर लोके पर करदे से मेरे जराश्रम रखा जिला जा जिला खनिज पांचि एक जराश्रम परिचा होर जराश्रम को रख चला एक घर चली जराश्रम रे, भड़ा को लेकिन किसी बेला जो कि घर मालिक से जराश्रम रोक अंतवासी को बाहर करदे बाहर को घर बाहर एक करलटाणी ता तले रखि दि जातेष्ठुरता अमानवीय घटना ये सागूल जिले परिणत बयस जो मानू निज पर ᱛᱟᱥ ᱛᱮᱵᱟᱨᱮ ᱟᱥᱤ ᱟᱥᱨᱚᱭ ᱱᱟᱹᱭ ᱛᱤᱞᱮ ᱴᱤ ᱛᱚ ᱮᱴᱤ ᱜᱷᱚᱨ ᱵᱷᱚᱲᱟᱠ ᱠᱚ ᱱᱮᱠᱤ ᱦᱚᱭ ᱛᱚ ᱵᱤᱵᱟᱫ ᱛᱷᱟᱭ ᱯᱟᱨᱮ ᱢᱤᱞᱤ ᱱᱟ ᱛᱷᱟᱭ ᱯᱟᱨᱮ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱮᱵᱷᱟᱹᱲᱤ ᱥᱚᱢᱚᱨᱮ ᱡᱮᱛᱮᱵᱮᱞᱮ ᱥᱟᱨᱟ ᱨᱟᱡ്യᱨᱮ ᱛᱟᱞᱟᱵᱚᱱᱫ ᱜᱷᱚᱥᱚᱱᱟ ᱠᱚᱨᱟ ᱡᱟᱭᱪᱤ ᱞᱚᱠᱚᱢᱟᱱᱮ ᱵᱟᱦᱟᱨ ᱠᱚ ᱵᱟᱦᱟᱨᱩ ᱱᱟ ᱟᱱᱛᱤ ᱥᱟᱝᱠᱨᱟᱢᱚṇ ᱵ୍ୟᱟᱯᱤ ᱵᱟᱨ ᱟᱥᱚᱝᱠᱟ ᱨᱦᱤᱪᱤ ᱮᱵᱚᱱ ᱮ ᱠᱷᱮᱛᱨᱨᱮ ᱥᱟᱵ हृदयतार सहित विचार करार आवश्यकतार अच्छी सेतु बाहर कर दि जाऊँगी जोर जबरदस्त भाव भावर ये दृश्य आपड़ देखुचार घर मालिक घर कबाट बाड़े कि भाव से आनी दांडे बसई देती वृद्ध वृद्धा मानू जराश्रमर अंत्यवास मानू ये हूँ तार अमानवीय दृश्य आपुचार तेरे ए संपर्क कौन सफेद घर मालिक शुणु

तो ये अमानवीय चेहरा इसे दायी कहीं किए दायी समाज कहीं घटना घटे प्रसंगे आम आलोचना तो करवाई समाजसेवी मैंने जोड़ी एवं आम प्रतिनिधि अनुगूल जोड़ी हे जे कि घटनास्थल अच्छी घटना संपर्क में विस्तृत तो भाव में कहे कि एक गुरुत्वपूर्ण खबर आस नजर पक आज देश देशर विभिन्न स्थान दुई एक सी एन जि स्टेसन लोकार्पण करमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान जो जोथरे के ओडिसा रा 11 टी सीएनजी स्टेशन मध्ये गिनती कर रहा था हम कितने प्रकार के एनर्जी रिटेल की काम पे हैं एलपीजी हम पहुंचाते हैं आज शायद दुनिया की सबसे बड़ा एलपीजी कंज्यूमर बेस हमारी कंपनियों के पास है लगभग 30 करोड़ एलपीजी कंज्यूमर्स बनाने की रास्ता में हम लोग अभी शायद उन्तीस करोड़ प्लस होगा हम चंद दिनों में तीस करोड़ की ओर जाएंगे हम दुनिया के सबसे बड़ा रिटेल आउटलेट पीओएल के लिए भी हैं पेट्रोल डीजल ये सब उपलब्ध कराने के लिए सीबीजी की स्टैंड आउटलेट शुरू हो गया देश में जैसे मैंने कहा कि एथेनॉल की 100 परसेंट ई हंड्रेड वाला रिटेल आउटलेट भी शुरू हो गया आने वाले दिनों में हम एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखे हैं बी ट्वेंटी 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 थ्री में ही शुरू कर देंगे हम लोग ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव तक देश में पूरा बी E EVP ट्वेंटी का प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा और आगे बढ़ेंगे एलएनजी स्टेशन भी तेजी से बनना शुरू हुआ है एक हजार एल स्टेशन देश में बनने की काम चल रही है बैटरी शॉपिंग में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए हमारी रिटेल आउटलेट अपना अपना तरीके से विभिन्न मॉडल पे हम लोग प्लान बना रहे हैं अभी सी एन जी के लिए आज हमें सुखद अनुभव हो रहा है आज देश में इकट्ठा 201 मई मही, महीने तक जो हिसाब हुई है उसमें 201 जो आज हमने लोकार्पित किया जिसको इसको मिला के हमारी संख्या तीन हजार एक सौ बयालीस 3,142 CNG हंड्रेड आज उसके साथ साथ ये जो एमआर मोबाइल रिफिलिंग यूनिट सीएनजी में और ये तो अच्छा हुआ। आज एक सूचना सार्वजनिक भी हुई फिक्स सीएनजी स्टेशन से मोबाइल सीएनजी स्टेशन की कैपिटल कॉस्ट कम है दिन में वो वहां खड़ा हो जाए रिटेल आउटलेट के पास रात को घूम घूम के हाउसिंग सोसाइटी में भरे लंच टाइम पे बड़े बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स के पास पहुंच जाए इसमें दोहरी फायदा होगा कुल मिला के जैसे मैंने कहा और ऐसा हमारे अपेक्षा है एलपीजी की भी मोबाइल रिटेल मोबाइल रिफिलिंग यूनिट भी शुरू हो डीजल की बाउजर तो चल ही रहा है पेट्रोल की बाउजर भी दूर नहीं है बैटरी शॉपिंग की मोबाइल यूनिट को भी प्लान किया जाना चाहिए क्योंकि मैंने जो कुछ बैटरी शॉपिंग की यूनिट देखा ये भी एक मिड साइज ट्रक के ऊपर लोड होके चल सकता है इसलिए हमारी सेक्टर में कंपनियां सरकार की हो या निजी क्षेत्र की हो इनोवेटिव तरीके से एनर्जी रिटेलिंग की काम को मोबाइल बना देना सर्विस एट डोर स्टेप यह जो कल्पना कोई भी प्रकार की एनर्जी हो क्योंकि उसमें कोई दो मत नहीं है वो बहुत लंबा चौड़ा विषय भी नहीं है हम दुनिया की सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर बन जाएंगे चंद सालों में दुनिया की कोई एनर्जी प्लेयर नहीं रहेंगे जो भारत में रुचि नहीं लेंगे और हमारी और आप लोगों की सामूहिक ताकत से हम कई मामले में विश्व स्तर की मार्केटिंग बेस बना लिया है कंज्यूमर बेस बना लिया है अभी इज देना है ईज ऑफ लिविंग की ओर ले जाना है हमारी जो शासन की प्रधानमंत्री जी की जो एक अपेक्षा है कि हम देश की नागरिकों को ईज ऑफ लिविंग देनी चाहिए मैं व्यक्तिगत रूप में मानता हूं हम सभी की यह प्रयास उसी दिशा में है इसलिए हमारी आत्मविश्वास और आत्मसंतोष दोनों आज है ये सारे उपक। तो आम शुणुला केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को दुईश एकटी सीएन जि स्टेसन रज लोपण करा भर कि एगार्टेसन रही सहित देश में मोट सीएन जी स्टेस संख्या जार शह बयालीस पंची कि आगक प्रदूषण मुक्त इंधन लोकों पाखे पहुंची पार से मोदी सरकार लगातार काम विस्तृत भाव सूचना देंगे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आम फेर आम આલોચના કરુ જે એક ગંભીર વિષય કરોના કાળે જે તલાબંધ જારી રહી છે સારા રાજ્ય કેભરાશ્રમર અંતેવાસી દાંડકુ બહાર કરી દિવસ્રમ અમાન્ય ચહેરા સામનાકુસી નિષ્ઠુર ચહેરા સામનાકુસી એ પ્રસંગે આમ સહિત પોડી હોઈ સારી એ પ્રસંગે આલોચના કરવા ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମୟ ଯେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିରତି ନେଇଯିବା ବିରତି ପରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅନୁଗୁଳରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଅମାନବୀୟ ଚେହେରା ଜରାଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା ଦାଣ୍ଡରେ ବସେଇ ଦିଆଗଲା କରୋନା କାଳରେ ତାଲା ବନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ आईनजीवी तथा समाजसेवी तपन दास सहित समाजसेवी अशोक नायक जोड़ी होती बालेश्वर आम सहित अच्छा क्षमा करम सहित आईनजीवी तथा समाजसेवी सुमन स्वाई अच्छा अशोक नायक अच्छा बालेश्वर एवं तपन दास आम प्रतिनिधि जे कि घटनास्थल जोड़ी होती तपन प्रथम जानवा को चाहिए पूरा घटना कण एवं कहीं एभली पिस्थित आसला जे घर मालिक ए अंतभाषी मानू ଏ ଜରାଶ୍ରମର ଏ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼ିଦେଲେ ପାଲ ଭିତ ତାଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତମାମ ଘଟଣାଟି ତାଲଚେର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଘମାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ସେଠାରେ ଥିବା ସାଇ ଶ୍ରୀ ସାଇ ଏନାଥ ଜରାଶ୍ରମରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତବାସୀମାନେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ଜରା ନିବାସଟିକୁ ଦି ମେଡ଼ିକ୍ସ ନାମକ ଏକ ଏନ୍ଜିଓ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲା ଏବଂ ଏହି ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି ବା ଡିଏମ୍ଏଫ୍ରୁ মাচকু মাছ লক্ষাধিক টকা যোগাই দিয়া যাওঁ কিন্তু এই টকা যোগাই দিয়া যোৱা কণ এমি অসুবিধা হ'ল যে ঘৰ মালিক যি ৰ সি ঘৰ ভা ঠিকচে পাৰপাৰিলে নাই ঘৰ মালিক কথা হ'ল আমি বাৰম্বাৰ নোটাইছোঁ এখন ঘৰ ছাড়িব বাৰম্বাৰ সম্পৃক্ত এন জি অ' যি সংস্থা ৰ কোন তৰিত পদক্ষেপ ন নমাৰো আজি সেনে বাদ হৈ কি পদক্ষেপ নেকি চৰম পদক্ষেপ নিচিনা বুলি যা কৈছিল মই বৰ্তমান ৰ এছ অফিচৰে জিলা সামাজিক সুৰক্ষা কাৰ্যালয় এই বিভাগ অন্তৰ্গত ৰোঁচি সেই যি যি জৰা নিশিটি মোৰ সৈতে কিছু ব্যক্তিবিশেষ মতে যোড়ি হৈছিল সৈতে সিধাচল আলোচনা কৰিব যোনভাল স্থিতি হৈছিল তালচেৰ বাঘমৰাৰে যি স্থিতি দেখুন ঘৰ মালিকৰ যোনভাৱে আচৰণ ৰৈছে কণ ৰ আপোনাৰ প্ৰতি সবুঠু বৰ কথা হ'ল যোন লোক ঘৰ লোকদেলে তুমি যদি এইভাৱ জৰাানিবাসেৰে ৰব আৰু ৰেনে জৰানিবাসেৰে আৰু তোমাক যেতিয়া এইভল গোটেই ঘটনা ঘটিলে অতি অমানৱীয় ঘটনা ঘৰ মালিক পইচা পাই এন জি অ' সংস্থাটো সি এক ঠিক অঁ সি তে যা কাৰানুষ্ঠান নেবা কথা মালিক উপৰ অনুষ্ঠানৰ মালিক উপেৰে এই যি বুঢ়াবুঢ়ি মানে এই বয়সৰে আচিকি ৰোহলে তবুঠু বৰ কথা হ'ল যে কৰোনা ভৰি পাণ্ডামিক চিচুচন সি ক'ভল ঘটনা যে এনে আনিকি বাহাৰে বসাইদে গোটেই তম্বু তলে সেই বুঢ়াবুঢ়ি মানে এবাৰ ক' কৰিব আৰু ক'ত ঘৰ মালিক কওঁ যে আমি পইচা পাইনো যদি তুমি পইচা পাইন সেই জিলা প্ৰশাসনক জানাই জিলা প্ৰশাচন সেই দৰে তালচেৰ সব কলেক্টৰ যদি অৱগত ৰে কাহি আজি যাকে সেই বাবদৰে পদক্ষেপ নে নেকি যাফলৰে কি আজি এইভাৱে বুঢ়াবুঢ়ী মানুহ এইভাৱ

सीएर भड़ा देला कि ठीक भावे से अंतवासी मानू रखी कि खावाक मिलू कि कि प्रशासन कहीं बुझु नाला कौन कौन से बुद्धिजीवी मैंने सहित जो मैंने अच्छा निश्चित पक्ष मु जिला प्रशासन आडुआर ए कार्यक्रम चलता नचे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड रि विजोग हो न था म गोटे कथा प्रश्न पचारि चाहे जे डिस्ट्रिक्ट मिनरल मिनराल पैसा गोटे भडा घर चालु जरा नसकको किभली भावला एउटा जिरो एटी एज सोसिया वेलफेयर सिक्युरी अफिसर जदि कुछ। मना म ए विषय जाने बोली बडा आश्चर्य लागु शु कारण गोटे कथा जेता जरिया समस्त कार्यक्रम निश्चित हो निश्चित सार्टिफिकेट दे ये कार्यक्रम कहीं चीज कंघा क्या जिला जिला मंगल सुरक्षा अधिकारी से जानू नरान चली खनिज पांठी रू आस तपन मु प्रथम बाबू आप प्रतिक्रिया नाकू चाहे आप जन आईनजीवी तथा समाजसेवी अनेक समाज ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଠି ଯେଉଁ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏଠି ଘର ମାଲିକ ଯେତିକି ଦାୟୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସେତିକି ଦାୟୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏନ୍ଜିଓ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ ଏବଂ ଏଠି ସବୁଠୁ କଥା ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ଚାଲିଛି ଜରା ନିବାସ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁଲ୍ରେ

ରାସ୍ତାରେ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ କି ପଇସା ଧିକ ଘର ମାଲିକକୁ ପୁରା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡିତ କରି ତାକୁ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଦବା କଥା ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ଯେତେ ସବୁ ସମାଜ ସେବା ସଂଗଠନ ଅଛି ଯେତେ ସବୁ ମୋ ତରଫରୁ ଆଇନଜୀବୀ ମାନେ ଅଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୃଢ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ସରକାର ଏତେ ବଡ ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି

घर घर मालिक घर मालिक निश्चित भाव दायी पैसा हुए तो मिल न थाई पारे किंतु स्थिति रे वर्तमान बर्तमान जोबले लो आगे आस को साई से समय ये परिणत बयसर वृद्ध वृद्धा मान जराश्रम बाहर को बाहर करदे गूल्ड में पाल टाणिकी नहीं पकईदे टेकी आने टेकि आनी रखा तो ये क्यो, क्यों कौ मानविकतार ई परिचय अशोक बाबू अशोक बाबू मो आता प्रतिक्रिया जणांक आम्ही दायी करु जे बर्तमान सिच्युशन लोक मे आगे आसुन्स जेव्हा जण घर मालिक जी घर भडा द्या नाही जतब्ब एन जिओ त्या जो आश्रम कुठून नाहीके संभाळूची जी भडा द्या नाही त्या

ତ ଆଜ୍ଞା ଲୋକମାନେ ଛଟପଟ ହେଇକି ମରୁଛନ୍ତି ତ ଆଙ୍କୁ ଲଜା ଲାଗିବା କଥା କଷ୍ଟ ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଅଭିଶାପରେ ତ ଏତେ ବୟସର ଏତେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ କିପରି ଏତେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ତ ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳି ମଣିଷକୁ ମାନେ ପଶୁ ସହିତ ପଶୁ ଠାରୁ ଆହୁରି ହୀନ ଏମାନେ ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଟିବେ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ଅଟିବେ ଏଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଦାୟୀ ଅଟିବେ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବର ଏମଏଲଏ କି ଏମ ପି ତ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଦାୟୀ ହଟିବେ କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ଅଭିଶାପରେ ପୁରା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡିବ ତ ଆଜ୍ଞା ତୁରନ୍ତ ମୁଁ ଦୃଢ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ମୁଁ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ଦୃଢ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ତ ଏଇ ଲୋକକୁ ତୁରନ୍ତ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର ଆୱାର ଟାଇମ୍ ନ ଦେଇକି ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ગિરફ ગિરફ તો નિશ્ચિત રૂપે કર્યા ઉચિત કાર્યનું ગ્રહણ કરબક હવારકાર જેમ યાર પુનરાવૃત્તિ હેનની તપન પ્રતિનિધિ તપન આપ બાદા બુદ્ધિજીવી અથાઉલા મંગળ જી એ જિલ્લા ખનીજ પાસે સિ એનજી ગુડે કેમતી એ કથા જિલ્લા મંગળ અધિકારી જાણુ ના જિલ્લા પ્રશાસન કેમતી એ કાણું নিশ্চিত পক্ষে দেখুন শক্তি সাই এই যে এন জি মেডিক্স এন জি ও যারা দায়িত্ব নেই সে সংস্থানের লগাতার ভাবে অভিযোগ হয়ে আসিছি এবং প্রমাণ ভিত্তিক অভিযোগ রয়েছে তবে যদি মোর যে গোটে কথা কহার কথালা, হলো বারম্বার গোটে সংস্থানের অভিযোগ আসবেন এবং প্রমাণ ভিত্তিক অভিযোগ আসিয়া পরে जिते तो जिला खनिज पांठी सेनिजोग हो समस्त पदाधिकारी मैंने जाई घटना से नज़र को, को आसला परे कहीं की समाने। ठिकना समय पदक्षेप नौना ये हूँ गोटे प्रमुख कथ जो कि परवर्त समय घटना गुड़िक क्रमावय घटीचाले गोटे मत गोटे भातहां गोटे भात परीक्षा भाई गोटे क्या कह अत्युक्त होगा ना आम अनेक समय देखु जिला पणिज खी पार्टी जो जो अनुषानगुड़िकल से व्यापक अनियमित पुणे फेर आप मोटामोटी भावे कहे कौन पदकेप जिला प्रशासन पक्ष निवर आवश्यकता और से जहां परिस्थिति सृष्टि যেষ্ট্ৰিক্ট মিনেৰাল ফু পইচা দিয়গলা নদিয়া যাই ଯେତେବେଳେ ଏକ ଜରା ନିବାସ ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ସେ ଜରା ନିବାସରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସି ଅନ୍ତେବାସୀ ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବାସ ସେମାନେ ବାସହରା ଥିବାରୁ ସେମାନେ ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ରହିବା ଖାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଶାସନ ଜରିଆରେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଶାସନର ଗୋଚରରେ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଏନ୍ଜିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଏନ୍ଜିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ନେଇ ତାର ସେ ଫେରାର ଅଛି କ'ଣ କହିବେ ସେ नाही नाही से एन तो तर संपूर्ण रूपे ए दायी कारण गोटे कथा एक रे से जो जरा जो नवासी ता भडा घरात निजस्व घर ने निजस्व घर नथाय जण भडा घर विजनेस कला भया की भी एक संस्था सूर्ण कसा सरकार जे से, से घर संस्था जे की जरा नवास चला भडा घरे अनुमति केमती द्या एवं जदि भी से संस्था अनुमति को मिलला एवं से ठीक भाव में चलाऊ कि ना जिला खनिज पांठिर टंका से अनुदान आसूरी एक कथा कहीं जिला मंगल विभाग ये कहीं एक कथा बुझु नाला जिला प्रशासन यार उत्तर रखी कि से द मेडिक्स संस्था से घर संस्था से एनजीओ जी ओ ता विरोध में कार्यानुष्ठान हम कि जे घर मालिक जे ये समय से परिणत बयस वृद्ध वृद्धा मानू बाहर को आने पाल तले बसेता कड़े विरोधे कार्यानुष्ठान ये हूँ बर्तमान सब्ठू बड़ा प्रश्न बहुत बहुत धन्यवाद दे चाहिए अशोक बाबू क्षमा चाह अशोक बाबू सुमन बाबू आपन आम सहित जोड़ी होते आपण बहुत बहुत धन्यवाद और तपन आम प्रतिनिधि अनुकूल थे आपण बहुत बहुत धन्यवाद ए प्रसंग में आम सहित जोड़ी हो समय होती कार्यक्रम को ये रखा नमस्कार